एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह के अध्यक्षता में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, पीटी ऑफेंस और प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही, रेस्क्यू किए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर बाल कल्याण जयप्रकाश आर्य, अरुण कुमार राव, अभियोजन अधिकारी राजेश मल, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री धीरज सिंह, विजय कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग के ADIS श्री किरण कुमार, यूनिसेफ से ब्रजेश सिंह एवं चाइल्ड लाइन शेल्टर होम स्नेहालय सेफ सोसाइटी डॉक्टर मुमताज़ खान, मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि प्रभारी, निरीक्षक थाना AHT शिव कुमार शंकर चौबे, उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता, थाना AHT व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, रिपोर्ट पर CWC में कितने रिपोर्ट क्रॉस चेक कर ली, कहां से नहीं हुआ रिपोर्ट? ठीक है, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम CWC की है कि इनको जवाब नहीं है इनकी हेल्थ में। पिछले कई मीटिंग में आपने हर बार यहां पे चर्चा की है कि जब भी इस बैठक में आए तो जो 500 के केसेज रजिस्टर में उनकी सूची लेके आए कि जो भी कुशीनगर में CWC ने एक फॉर्मेट डेवलप किया है और वो फॉर्मेट अपने कुशीनगर नंबर के साथ इतने पॉक्सो रिपोर्ट हुए हैं। जो SJPU और ASTU की जो मासिक समीक्षा बैठक होती है, आज उस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। इसमें लेबर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, जिला कारागार, SSB, DPRO, बेसिक शिक्षा, ये सभी तरह के डिपार्टमेंट्स और इसमें जो हमारे शेल्टर होम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। इसमें हम जो बच्चे हैं जिनको हम रिकवर करते हैं सड़क से, ढाबे से, उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, किस तरह से उनके पेरेंट्स को हम इकोनॉमिकली समर्थ बनाएं ताकि वह बच्चे पुनः उन ढाबों पे, उन सड़क पे नज़र ना आए, इस संबंध में हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं ऐसे संवर्ग को एड्रेस करते हुए लाई गई हैं, उन योजनाओं पर चर्चा की गई और इस पर चर्चा की कैसे हम इन बच्चों को इन योजनाओं से जोड़ें ताकि इन बच्चों का एक रिहैबिलिटेशन हो सके और वो दोबारा सड़क पे नज़र ना आए। हाँ, इसमें कुछ NGOs आए हैं, इसमें एक सेफ सोसाइटी का एक संस्था है वो भी आ रही है और भी इसमें मुद्दे हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारे ये बेसिक ये है कि हम कैसे इन बच्चों को विभिन्न स्कीमों से जोड़ें जो सरकार की स्कीमें हैं और कैसे इनके पेरेंट्स को हम इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं ताकि ये अपने बच्चों को काम करने के लिए ढाबों पे ना भेजें बल्कि जो सरकारी स्कीमें हैं उनके तहत उनको स्कूलों में भेजें और उनका लाभ उठाएं ताकि वो एक बेहतर भविष्य पा सकें।